Good morning, students. Welcome to Maths class standard 4. We will continue our chapter 12. How heavy, how light. Okay? How heavy and how light में हम थोड़ा सा extra कर रहे हैं. बीच-बीच में textbook का भी करते जा रहे हैं. Okay? तो जो आपको convert करना समझ में आए कि convert kilogram into gram and convert gram into kilogram. तो दोनों के बीच में difference ये है जो मैंने as a fill in the blanks आपको previous period में लिखा दिया था. कि जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा एंड जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तब हमें डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमने किया था, प्रीवियस पीरियड में हमने क्या किया था कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था. आज हम करेंगे कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम. ओके, तो यहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है कि कन्वर्ट 6350 ग्राम इनटू केजी, दैट मींस किलोग्राम. तो हम करते हैं जैसे हम टेंस एंड वर्ब्स अलग करते हैं उस तरह से ही करना है. तो 6350 ग्राम इज इक्वल टू 6000 प्लस 350 ग्राम. 6000 ग्राम प्लस 350 ग्राम. ओके, 6000 हम जैसे करते हैं ना कि कोई भी टेंस एंड वंस को अलग कर ले, जैसे यहाँ पे क्या होगा 6000 प्लस 3000 प्लस 50, दैट मीन 6350. बट हमें यहाँ पे 350 को रखने देना है, जो 1000 प्लेस पे है उसे 00 में कर देना है कि 6000 ग्राम प्लस 350 ग्राम. क्या करना है, 6000 ग्राम प्लस 350 ग्राम. अभी हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, तो 6000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 350 ग्राम. ओके, अभी यहाँ पे हम जैसे ऑलवेज करते वैसे 001 30 है, ऊपर भी 30 है, तो 30 को हमें कट कर देना है. अभी हमें क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 1 करोगे तो भी 6 आएगा प्लस 6, मतलब ये क्या हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो 6 kg प्लस 350 ग्राम इज इक्वल टू 6 kg एंड 350 ग्राम. ओके, तो 350 ग्राम अलग ही रहेगा. अगर राउंड फिगर आता है कोई तो यहाँ पे ये 350 पीछे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. बट यहाँ पे हमें वैसे इजीली पता है, वैसे हमें आंसर पता ही है कि 6350 दैट मींस 10 kg एंड 10 ग्राम, तो 6 kg एंड 350 ग्राम. बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें डिवाइड करना होता है, जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो इस तरह से आपको करना है. ओके, पहले उसे 1000 प्लेस को अलग कर देना है एंड 100 प्लेस को अलग कर देना है, देन डिवाइड बाय 100 डिवाइड 00 को कट कर दोगे आप तो आपको आंसर आएगा 6 kg एंड प्लस 350 ग्राम. फिर लिख देना है कि प्लस, मतलब फिर से जोड़ दोगे तो फिर से यही का यही आ जाएगा, बट हमें जोड़ना नहीं है, हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 6 kg एंड 350 ग्राम. ओके, तो 6 kg ही लिखना है, नहीं तो फिर से हम इस तरह से प्लस करने जाएंगे ना तो फिर से यही का यही नंबर आ जाएगा. ओके, हमें वो नहीं करना है. ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं 2420 ग्राम. ओके, अभी इसे हमें क्या करेंगे, 2420, तो हमें इसमें से 1000 को अलग कर देना है. तो 1000 कितने हैं यहाँ पे, 2000, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2000 प्लस 2000 ग्राम प्लस 420 ग्राम. ओके, 2000 ग्राम प्लस 420 ग्राम. फिर हमें क्या करना है,
डिवाइड बाय 1000, एवरी टाइम हमें 1000 ही डिवाइड करना है, प्लस 420 ग्राम। यहाँ पे 0000000, 3 0 है ऊपर भी एंड 3 0 है नीचे भी, तो वो सारे 0 कट जाएंगे। फिर 2 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 420 ग्राम। दैट मीन्स 2 केजी एंड 420 ग्राम। ओके, एकदम ही सिंपल है, एकदम ही इजी है। अभी नेक्स्ट सम मैं लिखूंगी तो आपको क्या करना है, वीडियो स्टॉप कर देना है एंड अपने आप लिखने की ट्राई करना है। एकदम ही इजी है ना, आप मेरे से भी पहले फटाफट कम कर देगा, अभी आप लोग कर दोगे ना, है ना। तो ये तो अभी इजी है, अभी आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। मैं इस साइड का रफ करूंगी, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आगे जब हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया तब मल्टीप्लाई 1000 किया, एंड जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं 3 नंबर। यहाँ पे सिर्फ हम नंबर चेंज कर देंगे, नंबर 0 ग्राम इनटू केजी। ओके, कन्वर्ट 5040 ग्राम इनटू केजी, तो दैट मींस किलोग्राम। यहां पे हम लिखेंगे 5040 ग्राम इज इक्वल टू, हम अभी क्या करना है, 1000 को अलग कर देना है ना। तो 1000 कितने हैं, 1000 की प्लेस पे कौन सा है, देखो ये 10th प्लेस है, सॉरी ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 है, ये 1000 प्लेस है ना। तो 1000 प्लेस पे क्या है, 5 है, दैट मींस कितने 1000 है, 5000 ग्राम प्लस, यहाँ पे 100 की प्लेस पे 0 है तो क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे हम लिख देना है सीधा 40 ग्राम। ओके, 040 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 40 ग्राम ही है। देन डिवाइड करेंगे 5000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 40 ग्राम, 0000000 कट हो गए। देन हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया, 5 ही रहता है, डिवाइड करोगे तो भी, तो 5 केजी में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे 5 केजी प्लस 40 ग्राम, दैट मींस 5 केजी 40 ग्राम, है ना। आंसर हमारा क्या आएगा, 5 केजी एंड 40 ग्राम। ओके, नेक्स्ट करते हैं। कन्वर्ट 10 ग्राम इनटू केजी। ओके, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो कैसे लिखा होगा, इस तरह से कि कन्वर्ट 8047 ग्राम इनटू केजी, दैट मींस किलोग्राम। हम यहां पे लिखेंगे 8047 ग्राम इज इक्वल टू कितने हो गए, 8000 ग्राम प्लस 47 ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8000 डिवाइड बाय 1000 प्लस 47 ग्राम। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 001 2 3 4, है ना, 3 3, तो 3 0 ऊपर है, 3 0 ऊपर है, तो नीचे ऊपर और नीचे है, तो दोनों को हमने कट कर दिया। अभी क्या होगा, 8 केजी प्लस 47 ग्राम
नेक्स्ट हम दो तीन कर लेते हैं ओके। फिर हम यहाँ पे भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है वो हम करेंगे ओके। मैं दो मिनट साइड हो जाती हूँ, आप ये लिख लीजिए।
केजी 150 ग्राम 85 केजी 150 ग्राम वेट। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ऐड 35 केजी एंड 250 ग्राम वेट इन 85 केजी एंड 150 ग्राम वेट। यहाँ पे सिंपल सा एडिशन ही है बट हमें प्रॉपर तरीके से करना है। केजी की कॉलम में केजी लिखना है, आपको सीधा सीधा देते हैं तो आप कर लेते हैं बट जहाँ पे इस तरह से देते हैं ना तब आप लोगों को ये कहाँ पे ये केजी है एंड ये ग्राम है दोनों चीजें अलग है तो उसकी अलग कॉलम करके ही आपको करना है। तो केजी में केजी ही आना चाहिए तो केजी कितना है 35 केजी एंड 85 केजी। तो यहाँ पे आएगा 35 एंड यहाँ पे आएगा 85। देन ग्राम कितने हैं, ये जो है वो ग्राम है ना, ये ग्राम है तो ग्राम की कॉलम में ही ग्राम आने चाहिए। तो 250 ग्राम एंड 150। ओके सिंपल सा है, इसे इस तरह से कॉलम बना के ही लिखना है आपको। 0 फिर 5 प्लस 5 ये सिर्फ ऐड लिखा है, ऐड का मतलब क्या है कि हमें ऐड करना है, एडिशन करना है। ओके 5 प्लस 5 10, 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 400 ग्राम हुआ। फिर है 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे 1 होगा ऊपर कैरी, 3 प्लस 1 4 4 में आपको 8 ऐड करना है तो 12 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 2 12, दैट मींस कितने हो जाएंगे 120 केजी एंड 400 ग्राम। कितने हो जाएंगे 120 केजी एंड 400 ग्राम। नेक्स्ट करते हैं, एड 73 केजी टू 25 ग्राम, एड 75 केजी एंड 230 ग्राम पोटैटोज इन यहाँ पे क्या आएगा 5 7 प्लस 3 3 प्लस 7 करेंगे तो कितना
plus 1, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, so 705. फिर यहाँ पे है 5 plus 1, 6, 9 plus 7, 16. तो 166 kg and 705 gram हो जाएगा. Okay, तो ये इस तरह से होता है. अभी और दो तीन कर लेते हैं सम. मैं इस साइड का राउंड कर रही हूँ. अभी जो 3 होता है उसमें भी कुछ नहीं होता है वैसे. तो हम 15 सीधा कर रहे हैं. 4 नंबर सीधा ही लिख देते हैं. Subtraction.
आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या सीधा सिंपल सी चीज है, बट ये इसलिए होता है कि कहीं पे आपको वो काउंट करना समझ में आए कि एक साइड पे क्या बैलेंस है। अभी ये ही है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे 66 केजी है, यहाँ पे 800 ग्राम है एंड यहाँ पे, तो कौन सा बैलेंस अप आएगा एंड कौन सा डाउन जाएगा वो आपको समझ में आए, इसलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सम्स है बट वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं पहले डिजिटल में आपको ये सारी चीजें बता दूंगी। ओके, डिजिटल में और हाफ चैप्टर ही हमारा डिजिटल में कंप्लीट हुआ था, हाफ चैप्टर डिजिटल में बाकी था तो पहले हम वो करेंगे। ओके तो आज का ये चैप्टर मैं यही पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया एंड एडिशन किए। ओके, थैंक यू सो मच।